बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल पार्ट वन की, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मांड, सौर मंडल और उसका सौर परिवार की क्या सारणी थी, किसके कितने उपग्रह हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक का हिस्ट्री का पूरा पार्ट, सभी विषय अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन सभी पार्ट को देख सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ रख लीजिए ये लूसेंट बुक अपने हाथ में, अपने सामने लूसेंट का पहला जो ये जो भाग है आपका ज्योग्राफी में से, उस पेज को ओपन कर लीजिए और अपने हाथ में रखिए हाइलाइटर्स, कोई सा भी कलर का, येलो, पिंक, ग्रीन, कोई भी कलर का आपके पास में होगा तो वो अपने साथ में रखिए। अगर आपके पास कोई बुक ही नहीं है ये वाली और मार्केट से आप परचेस कर सकते हैं मार्केट से, तो आप मार्केट से परचेस कर लीजिएगा। अदरवाइज इस बुक का लिंक मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर तीनों चीज़ों में से कुछ भी आपने नहीं करना है, ना ही तो आपको बुक को उठाना है, ना ही आपने परचेस करना है, अगर आपको सिंपल अपने नोट्स खुद बनाने हैं तो कम से कम अपना एक रफ रजिस्टर, फेयर रजिस्टर जो भी हो उसको उठा लीजिए और अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा स्टडी को, सिलेक्शन तभी हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये जो पार्ट है हमारा भूगोल, भूगोल के बारे में काफ़ी बेसिक चीज़ें वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेकेटियस की। हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। अब हम बात करते हैं भूगोल का जनक किसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद आपने कभी एग्जाम में देखा होगा या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करा होगा तब आपने देखा होगा, या फिर कोई भी एग्जाम आपने रियल एग्जाम दिया होगा जब आप बैठते हैं, तो ये क्वेश्चन काफी बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं अपने सभी वीडियो में केवल वही फैक्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके हर एक एग्जाम के लिए, ए टू जेड जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वही वही पॉइंट मैंने हाईलाइट्स कर रखे हैं इसमें, तो आप भी हाईलाइट्स करिएगा और इसको याद करिएगा। भूगोल का जनक बोलते हैं हेकेटियस को, और वर्तमान भूगोल का जनक किसको बोलते हैं आपके सामने का एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ बोलेगा वर्तमान भूगोल का जनक, तो आपको लगाना है वहाँ पे अपने राइट आंसर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और विश्व ग्लोब का निर्माता है आपका मार्टिन बेहम, और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनगेजी मेडर है। आगे हम बात करते हैं कि वाइडल डीला ब्लॉस और फैब्रिक कौन थे, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, इस विचारधारा का समर्थक किसने करा था, इस विचारधारा का समर्थक करा था वाइडल डीला ब्लॉस और फैब्रे, दो अलग अलग व्यक्ति थे, इन दोनों ने इस बात का समर्थन ये करा था कि पर्यावरण में परिवर्तन किया जा सकता है अगर इंसान के विल पावर काफी स्ट्रांग हो तब। दूसरी विचारधारा क्या थी इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा ही क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं, पर्यावरण के बिना इंसान क्या है, बिल्कुल शून्य है, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे भूगोलवेत्ता रिटर, रेडजेल और एलन और सैम्पल और हेंटिगटन या हेंटिगटन। तो ये विचारधारा आपसे बस केवल जो ये नाम है आपका वाइडल डीला ब्लॉस और फैब्रे, इसके बारे में कभी तो पूछ लेता है कि इनका संबंध किस विषय से है, किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना इनका संबंध क्या है, भूगोल वेता है ये लोग, आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये राजनेता है, भूगोल वेता है या फिर कोई शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं या फिर भी अदर आपको कोई फील्ड दे देगा, तो आपको याद रखना ये एक भूगोल वेता थे। अब हम थोड़ी सी भूगोल की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है आपका स्ट्रैबो, और इन्होंने क्या कहा था, भूगोल को किस तरह से इन्होंने डिफाइन करा था, एक्सप्लेनेशन उनका क्या था, डेफिनेशन उनकी नज़र में क्या थी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखिए जो बच्चे स्टेट पी सी एस की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स में ये पूरा सेंटेंस दे देता है, इतना लंबा सेंटेंस आपको देगा एग्जाम में, वहाँ पूछेगा कि ये कथन किसका था,
तो ये कथन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों एवं भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। भूगोल की डेफिनेशन ये थी। किसके मद्देनजर, किसकी नजरों में, ये था आपका स्ट्राबो का। अगला जो कथन है वो है फोर फोर जो कथन है वो ये कहता है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान होता है। तो ये कहा था आपका आर्थर होम्स ने। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड से संबंधित एक नया क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। इसमें हम कवर करेंगे कि पहला पॉइंट है हमारे सामने कि ब्रह्मांड की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है। अस्तित्व, मान, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इसके बाद महान विस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका एब जॉर्ज लेमेंटेयर। अगला जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर थ्री, दोलन सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था डॉक्टर एलन संडेजा ने। आगे के देखिए, बीच के पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट को देख सकते हैं। हम केवल बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। ब्रह्मांड का व्यास कितना है बात करी जाए तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो है 10^8 प्रकाश वर्ष। और ब्रह्मांड में अप्रोक्सीमेटली 100 अरब मंदाकिनी हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में, हर एक मंदाकिनी में कम से कम 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में कुल कितने तारे होते हैं अप्रोक्सीमेटली, वो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो आपको याद रखना है 100 अरब तारे। और बात करें ब्रह्मांड के व्यास की तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो है 10^8 प्रकाश वर्ष। उसके बाद हम करते हैं मंदाकिनी के बारे में, तारों आखिरकार मंदाकिनी एक्चुअली होती क्या है, ठीक है? तो इसमें होता है कि तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत गैस पुंज है और मंदाकिनी मतलब गैलेक्सी कहलाती है। हमारे पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग जो होता है क्या होता है, स्पाइरल टाइप का होता है। और इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, तो ये देखा था गैलीलियो ने। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी कौन सी है, उसका नाम क्या? उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। अब हम बात करते हैं सौरमंडल के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल। इंग्लिश में कहते हैं इसको सोलर सिस्टम। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित होता है। उस सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन आपको एग्जाम में देगा, लेकिन यहाँ पे आपको राइट आंसर याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, सूर्य। आगे हम बात करते हैं प्लेनेमस। प्लेनेमस जो है सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है, एक ग्रुप है। जुड़वा पिंड है जो क्या है, सौरमंडल से बाहर रहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेनेमस। तो ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम पेपर वन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं पेपर वन के लिए, ये वर्ड काफी इम्पोर्टेंट है, प्लेनेमस। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य से संबंधित बाकी अन्य जो भी ग्रह हैं, सौरमंडल के जो भी परिवार के सदस्य हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी हम बात कर रहे हैं केवल केवल सूरज के बारे में कि सूर्य देवता से संबंधित क्या क्या बातें हैं। सूर्य जो होता है सौरमंडल का जो होता है प्रधान है और यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित होता है, ठीक है? अगर आप देखेंगे सौरमंडल के बारे में तो स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे होगा सूरज, उसके बाद में अन्य ग्रहों के बारे में आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके उसका सर्कुलेशन बनते रहता है। तो फिलहाल जो है सूर्य जो होता है सौरमंडल का क्या है, प्रधान है।
अब हम बढ़ते हैं आगे कि यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसकी परिक्रमण काल, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मोस ईयर भी कहते हैं। कॉस्मोस ईयर मतलब 25 करोड़ वर्ष, ये आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, सूर्य क्या है एक्चुअली, सूर्य है कैसा? सूर्य एक्चुअली वास्तव में एक गैसीय गोला है, जिसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम होता है 26.5%, और अन्य काफी सारी गैसें होती हैं जिसको हम काउंट करते हैं 2.5% में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य एक गैसीय गोला है, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन मैक्सिमम गैस कौन सी होती है इसमें? इसमें होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, कितना परसेंट? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम में, एग्जाम में बन सकता है क्या, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो ये है आपका 71%। आगे हम बात करते हैं, सूर्य का केंद्रीय भाग जो है वो कोर कहलाता है, और जिसका तापीय जो है भाग 1.5 × 10^7 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जो होता है वो होता है 6000 डिग्री। आगे हम बात करते हैं कि हैंस बेथ ने एक्चुअली क्या कहा। हैंस बेथ ने ये बताया कि सूर्य के केंद्र पर चार हाइड्रोजन नाभिक होते हैं, नाभिक से मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र में क्या होता है, नाभिक या संलयन होता है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मेन रीजन क्या होता है, उसका मेन रीजन होता है इसके केंद्र में नाभिक या संलयन का होना। इसके बाद इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप चाहें तो अपने एग्जाम के लिए इसके ये ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण क्या है ये आप पढ़ सकते हैं, कि दृष्टिकोण किस तरह से अब हम सबका चेंज हो रहा है उसके बारे में हम, आप चाहें तो बुक में से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोना, मतलब सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, और इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। और सूर्य की उम्र कितनी है, बात करते हैं सूर्य की एज क्या है। सूर्य की जो एज होती है वो होती है 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगता है, तो ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। और सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है, ये है आपका 110 गुना। कितना गुना? 110 गुना। और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रह, ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, और उसमें व्यापक गुरुत्वाकर्षण बल हो। कंडीशंस क्या होती है ग्रह की, परिक्रमा करना चाहिए ग्रह ने, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए, तब वो बनेगा, क्या बनेगा, ग्रह, ठीक है। उसके बाद वह गोल स्वरूप होना चाहिए उसका, और उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की जो पिंड होते हैं उसकी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, ये होती है ग्रह की विशेषता। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि तो उसके आसपास छोटे छोटे पिंड काफी सारे दिखाई दिए, फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या जो पहले 9 थी उसमें से प्लूटो को आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, अब रह गए केवल और केवल 8। यम को बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। बोने ग्रह मतलब छोटे ग्रह। ग्रहों को दो भागों में डिवाइड करा गया है। अब हम बात करते हैं आंतरिक ग्रह, मतलब कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, तो इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह और बृहस्पति ग्रह। तो अभी हम बात करते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के क्या है, सदृश होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पति ग्रह कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटर प्लेनेट। अब यहाँ से आपको क्वेश्चंस कभी कभी एसएससी एग्जाम में यहाँ पर आपको रीजनिंग में ही क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आंतरिक ग्रह कौन सा है। आपको तीन ऑप्शन देगा, बृहस्पति मतलब कि आउटर जो ग्रह है, बाह्य जो ग्रह है, तीन वो दे देगा, और आपको देगा एक आंतरिक ग्रह।
तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको आंतरिक ग्रह के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से आंतरिक ग्रह हैं, मतलब कि इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं और आउटर कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग में सीजीएल में एक दो बार पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। ऐसी कोई कॉपीराइट मतलब आपके पास नहीं है कि मुझे याद नहीं करना, ये नहीं आएगा, तो ऐसा मत सोचना। कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, आपके तर्कस में, आपकी जो कमान होती है, आपके पास तीर होना चाहिए ऐसा कि आप सही निशाना लगा सके। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे बुक को पढ़ना है, जो मैं अपने पिछले कई सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि कुल 8 ग्रहों में केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नंगी आंखों से मतलब कि बिना किसी स्पेक्स के, बिना किसी अदर टूल्स के सहायता से हम डायरेक्ट इन सब ग्रह को देख सकते हैं, जैसे बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है एसएससी एग्जाम में, ये क्वेश्चन जीएस में पूछता है कि किस ग्रह को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो आपके सामने 3 ऑप्शन देगा, राइट, जिसको हम देख सकते हैं। वहां पे पूछेगा नहीं देख सकते, तो नहीं में आपको नहीं कभी फोकस करना है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम क्या क्या है। आकार की बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति, सेकेंड नंबर पे आता है शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और सबसे जो छोटा ग्रह है वो कौन सा है, वो है आपका बुध ग्रह। याद रखिएगा बृहस्पति को पीला ग्रह भी बोलते हैं। अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अब बात करते हैं हम लोग की घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, शनि, यूरेनस। देखिए घनत्व के बारे में आपसे वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे पूछता है आकार के बारे में, नंगी आंखों से कौन सा देखा जा सकता है, आउटर और इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं। तो आपसे आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, शुक्र और अरुण कौन से ग्रह, शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का जो रोटेशन जो होता है, जो परिक्रमण की दिशा क्या होती है, इन दोनों की एक ही है। आगे बात करते हैं बुध के बारे में। अब आप लिख लीजिए बुध के बारे में, जिसके पास बुक नहीं है अब तो कम से कम आप उठा लीजिए अपनी नोटबुक, फटाफट उठाइए, A4 पेज लेके आइए, पेन अपने पास 2 रखना, एक रेड और एक ब्लू। तो यहाँ पे आपको ये सब लाइनें नोट करनी है। लिखिए मरकरी, बुध। बुध क्या होता है, सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, बस ये लिखिए नोट्स में। पूरी पूरी लाइन की आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जल में रखने पर क्या होगा, ये तैरने लगेगा ऐसा मानते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम होता है, और ऐसा माना जाता है कि यानी कि इसे अगर जल में रख दिया जाए तो ये ग्रह क्या होगा, जल में क्या करेगा, तैरना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बुध के बारे में केवल केवल बस इतना ही। अब हम बढ़ते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र क्या होता है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, चमकीला है, सबसे गर्म है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं, मतलब कि सांझ का तारा और भोर का तारा। तो यहाँ पे आपसे अब सांझ का तारा और भोर का तारा यूज ये वर्ड नहीं करेगा एग्जाम में, अब यूज करता है कि मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं। तो अब याद रखिएगा ये बोलते हैं शुक्र को। और उसके बाद मैंने हाईलाइट कर रखा है कि पृथ्वी का भागनी ग्रह, भागनी बोलते हैं बहन, ठीक है, पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है शुक्र को बोलते हैं। तो भागनी ग्रह मतलब की बहन जो है पृथ्वी की कौन सी है, यह है शुक्र, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई, इसके पास कोई भी क्या है, इसका उपग्रह नहीं होता है। तो उपग्रह के बारे में किस किस का नहीं है ये भी मैंने वीडियो में बताया था आपको, आपने शायद सुना होगा पिछला वीडियो। तो अगर आपने नहीं सुना तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, एक तरीके से आप स्टडी करिए, वॉच को एक सही फ्लो में अगर आप देखते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम बात करता हूँ बृहस्पति की, जुपिटर के बारे में। सबसे बड़ा ग्रह है, परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष लगते हैं, और इसका रंग कैसा है, पीला। बृहस्पति की लोग व्रत लेते हैं, फास्ट रखते हैं, तो बृहस्पति में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, और पीली चीजों को हम क्या करते हैं, खाते नहीं हैं, ऐसे ही कुछ फास्ट वगैरह में कुछ रूल्स होते हैं। पीला रंग सीधे हमको याद आता है, इसका संबंध कौन से फास्ट से है, कौन से व्रत से है, तो ये है आपका बृहस्पति भगवान, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मार्स। मार्स का लाल रंग होता है, इसको हम लाल ग्रह बोलते हैं। इसका लाल रंग क्यों होता है, क्या रीजन होता है, तो उसमें होता है आयरन ऑक्साइड। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि लाल ग्रह का लाल रंग किस रीजन से होता है, किस कारण से होता है, तो ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड। आई होप बच्चों आपको याद रहेगा ये चीज, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी बार हाईलाइट करा जाए एक्चुअली उतना कम है, ठीक है।
तो ये आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि यह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है, एक बार पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितने दिन लगते हैं? 687 डेज। और इसके दो उपग्रह हैं, तो उसका नाम क्या है? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछता है एमटीएस एग्जाम में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर किसी ने लूसेंट ढंग से पढ़ रखी है तो उसके लिए बेसिक है, जिसने जो बच्चे पहली बार इस बुक को उठा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जिसको अभी ज्यादा समय ना हुआ हो, तो उसके लिए शायद ये क्वेश्चन अभी पहली मुलाकात हो। तो इस मुलाकात को हमेशा याद रखिएगा, मतलब फोबोस और डीमोस को आपने स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं, देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मेसी है। एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है आपका निक्स ओलंपिया। बस इतना ही याद रखना है। और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं नासा का मार्स क्यूरियोसिटी, जो ये रोवर था, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ, छत्रकों और हिम शीतक जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह केवल एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है, ऐसा माना जाता है। और इसी से संबंधित एक्चुअली अब तो काफी पोस्ट में एक्चुअली इंटरव्यू खत्म हो गया है, लेकिन कुछ इस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते थे कि अगर एक तरफ हवा हो और एक तरफ पानी हो, आपको अपने जीवन के लिए केवल एक चीज का चुनाव करना हो तो आप किसका चुनाव करेंगे? लोग कहेंगे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। भाई मुझको हवा चाहिए, पानी नहीं चाहिए। मैं कुछ दिन तो कम से कम जिंदा रहूंगा, बाकी जब पानी की प्यास लगेगी तब के तब देखी जाएगी। लेकिन अगर आप पानी मांगते हैं तो पानी में आपको ऑक्सीजन गिफ्ट में मिल जाता है। तो पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इसलिए जीवन की जो उत्पत्ति होती है वो वास्तव में पानी से ही हुई थी, समुद्र से ही हुई थी। नीला ग्रह, कितना परसेंट पानी है भारत में? पूरे विश्व में अगर बात करी है तो पानी ही क्या है, कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत है, तो पानी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो वो इस तरह से कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन अब तो आपके सीजल के मैक्सिमम पोस्ट में इंटरव्यू खत्म हो गया, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं आगे इस पॉइंट की ओर कि 6 अगस्त 2012 को नासा का ये क्यूरियोसिटी रोवर लॉन्च हुआ था नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पे पहुंचा था। क्या स्थान था? गेल क्रेटर, ये स्थान था यहाँ पे इनका रोवर पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना एवं उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। जो ये क्यूरोसिटी रोवर जो नासा के द्वारा जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था, इसका मेन पर्पस है मंगल ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठी करना कि वहां पे जीवन कितना संभव है। अगर बर्फ है तो बर्फ का मतलब पानी है, पानी का मतलब जीवन है, जीवन का मतलब वहां पे भी अब रहा जा सकता है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण को पीएसएलवी C25 से प्रक्षेपित करा। पीएसएलवी C25 आपको याद करना है, यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान था, अभियान था। यदि यह सफल हो सका तो इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी होगी जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। तो आप ये याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं शनि। यह आकार में बात करी जाए तो सेकंड नंबर का है, ठीक है। देखिए बृहस्पति पहले नंबर पे था आकार के आधार पर, उसके कितने उपग्रह थे इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, अभी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद में आता है आपका शनि सेकंड नंबर में, कि यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज्यादा जो उपग्रह होते हैं वो वैसे वास्तव में बृहस्पति के होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका शनि, लेकिन इसमें अभी फिलहाल हम इस पर फोकस नहीं कर रहे। हम फोकस करेंगे कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, उसका नाम क्या? उसका नाम है आपका टाइटन। क्या नाम है उसका? टाइटन। और आकार में बुध के ये बराबर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे यूरेनस के बारे में, अरुण के बारे में। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त कहाँ होता है? इसमें पूरब की ओर होता है। किस ग्रह में सूर्य का उदय पश्चिम में होता है लेकिन अस्त कहाँ पे होता है? ये होता है पूरब में। आप सिंपल देखते हैं कि पूरब में सूर्य उगता है और कहाँ पे जाकर के अस्त होता है? पश्चिम में। तो यहाँ पे इसका उल्टा है बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, इतना लेटा हुआ है कि इसको हम क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका नाम है टाइटेनिया। तो इसके उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया। अरुण के और टाइटन दोनों में फर्क रखना, शनि का है आपका टाइटन और अरुण का आपका है टाइटेनिया।
दोनों को आपस में मर्ज मत कर देना, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का बच्चों। बात करते हैं वरुण की नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून को बोलते हैं हम लोग हरे रंग का ग्रह, और मिथेन गैस का इसमें क्या होता है, बड़ा सा बादल है। मिथेन का बादल इसके चारों ओर है, और इसके चारों ओर अति शीतल मिथेन का बादल है। किस ग्रह में मिथेन का बादल है? चार ग्रह के नाम देगा तो आपको याद रखना है वरुण। अब बात करते हैं हम लोग अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। यह आकार में क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर जीवन संभव है, और 23.5 डिग्री ये क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये पूरा करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सौर वर्ष क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। बिल्कुल सही है। और सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा जब वो पूरी कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। कितने घंटे इंक्रीज होता है, ये होता है 6 घंटे इंक्रीज। फिलहाल हम सिंपल बात करेंगे, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष कितने दिन का होता है, ये होता है 366 डेज का, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर क्या होते हैं, 29 डे होते हैं। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको पहले से पता होगा शायद। आगे हम बात करते हैं कि जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी पर मैक्सिमम क्या है, जल है। अगर हम ऊपर से देखते हैं पृथ्वी को तो ये दिखाई देता है नीला, किस रीजन से, जल के कारण, इसलिए हम इसको बोलते हैं नीला ग्रह। आगे हम बात करते हैं सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह होता है पॉक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर भी होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो ये है आपका चंद्रमा, मून। तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है, वो है आपका चंद्रमा, साइरस या डॉग स्टार। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस पॉइंट के बारे में कि साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, एवं सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा भी है। यह रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, साइरस या डॉग स्टार। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है, क्वेश्चन मार्क, ये एक क्वेश्चन आपके सामने ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है चंद्रमा का इसमें अध्ययन होता है। चंद्रमा की जो भी गतिविधियां होती है उसका अध्ययन कौन सा विज्ञान करता है, तो वो करता है आपका सेलेनोलॉजी। इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है, और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत, सबसे ऊंचा जो पर्वत होता है वो होता है आपका लिबनीटस पर्वत, और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी गई है, तो वो है आपका चंद्रमा। सुपर मून के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी क्या होती है, आपस में आसपास बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, सुपर मून, और इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो ये परसेंटेज आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि सुपर मून किसे बोलते हैं, सुपर मून या फिर पेरिजी फुल मून। अब छोटा सा एक नोट है वो पढ़ लीजिए आप हो सके तो, कि चंद्रमा और एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 384,365 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं ब्लू मून के बारे में कि दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। तो ब्लू मून कौन सी पूर्णिमा का चांद होता है, तो ये होता है दूसरी पूर्णिमा का चांद। और थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं आती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। वस्तुतः इसका मुख्य कारण दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना है।
ऐसा हर 2 दिन साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा देखे गए हैं, इनमें से 31 अगस्त 2012 के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उन्हें कहते हैं मून ईयर, और वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर होगा। तो आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि अगला ब्लू मून ईयर कौन सा होगा, 2018, 2019, 2020, 2021। तो आपको याद रखना है 2018। कुछ एक्चुअली बुक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम लोग स्किप कर देते हैं स्पीड में, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमको लगता है कि उस बुक में ये चीज नहीं थी, हम फिर अनाउंसमेंट कर देते हैं अपने मन में कि यार उस बुक में से कुछ नहीं आया। बुक एक्चुअली ये बुक काफी इंपॉर्टेंट बुक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इवन इवन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए जीएस सेक्शन में। तो अभी हम बात करते हैं फिलहाल बोने ग्रह की, यम प्लूटो, जिसकी खोज हुई थी 1930 में, किसने करी थी, क्लाड टोमवो ने की थी। ठीक है, तो किसने करी थी ये नाम आपको याद रखना है, और कब करी थी, ये करी थी 1930 में। और सेरस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, और लघु सौर मंडलीय पिंड कौन होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो आगे हम बात करते हैं धूमकेतु के बारे में कि हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है, और यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, और अगली बार ये कब दिखाई दिएगा, तो ये अगली बार जब दिखेगा ये दिखेगा हमको 2062 में। तो आप ध्यान रखना, 76 वर्ष बाद अंतिम बार 1986 में, अगली बार दिखाई देगा 2062 में। जो जो पॉइंट हाइलाइट्स कर रखे हैं आपको भी सेम एज इट इज अपनी बुक को इसी तरह से हाइलाइट्स करना है। अब बात करते हैं सौर परिवार के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सौर परिवार की सारणी के बारे में, किस किस में क्या क्या बताया गया है। देखिए ग्रहों के नाम बुध और शुक्र, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या ग्रह हैं, इनकी विशेषता क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक फैक्ट इससे संबंधित ये बनता है कि किन 2 ग्रहों के कोई भी उपग्रह की संख्या नहीं है, जिनके पास कोई भी क्या उपग्रह अपने नहीं है, तो वो है आपका बुध और शुक्र। सबसे ज़्यादा किसके हैं, बृहस्पति और शनि के। ये आप देख रहे नीचे, बृहस्पति के 63 हैं और शनि के एक कम कर दो उसमें, मतलब 62 हो गए। क्योंकि आकार में क्या है, दोनों ही बड़े हैं, पहले पोजीशन में बृहस्पति साइज में बहुत बड़ा है, सेकंड नंबर पे शनि ग्रह हो गया, तो कॉमन सी बात है इसके उपग्रहों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है अगर ऑप्शन में बृहस्पति नहीं देगा, ऑप्शन में आपको दे दिया बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि, तब क्या करोगे आप, आपने तो याद कर रखा है सिंपल बृहस्पति, लेकिन आपको फर्स्ट पोजीशन में कौन सा है ये भी याद रखना है, और सेकंड पे कौन सा है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस किसके नहीं है वो याद करने हैं, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह की संख्या नहीं है, लेकिन बृहस्पति और शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, बृहस्पति के हैं 63 और शनि के हैं 62। बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है, इस वीडियो में हमने काफी कुछ कवर करा, ब्रह्मांड, सौर मंडल और उसके सौर परिवार के बारे में हमने आज जाना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, आपके कमेंट्स आपकी राय जब आती है तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तो ये छोटा सा प्रयास है इस बुक को समाप्त करने का, उसमें मुझे आपका भी सहयोग चाहिए कि आप भी इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, बुक को मार्केट से परचेज कर लें, मार्केट नियर में नहीं है तो ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, और बुक को हाईलाइट करने में आप कतराना मत। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि बुक को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, सिंपल उसमें हाईलाइट करो, पेन से करो, हाईलाइटर से करो, किसी से भी करो, बुक कभी भी गंदी नहीं होती है। ऐसे कुछ बच्चे देखने के लिए पेंसिल से हल्का हल्का निशान लगाते हैं, भाई हल्का निशान क्यों लगाना है, टारगेट क्या है, बुक को पढ़ना, तो टारगेट बुक को पढ़ना बनाओ और साथ में सिलेक्शन लेना बनाओ। ठीक है, बुक को पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में आप नई नवेली बुक 36 ले आओगे, एक सैलरी आती है आपकी। ठीक है, तो
तो बुक से ज़्यादा प्यार मत करो, बुक का तरीका यही होता है पढ़ने का, हाईलाइट से इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है उनको हाईलाइट करो, उसका रिवीजन बुक में से करो, बुक नहीं है तो अपने नोट्स बनाओ, नोट्स को भी हाईलाइट करना सीखो। तो इस वीडियो में बस केवल मैं अभी इतना ही कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को मैक्सिमम जितने भी फ्रेंड आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैक्सिमम शेयर करेंगे तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करके लोग शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो इस चैनल तक यहीं तक समाप्त ना रहे। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो दूर दूर तक कई लोगों तक पहुँचे जो लोग बुक को परचेज नहीं कर पाते, पढ़ना चाहते हैं, पैसे नहीं है उनके पास में, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो उन सबकी मदद करिए। और इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल भाग दो। हम बात कर रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक की। हम देख रहे हैं इसका लाइव वीडियो कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी अब तक पार्ट अपलोड हुए हैं, अगर वो आपने सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लुसेंट वीडियो जीके की प्लेलिस्ट में जाइए और इस बुक से संबंधित जो भी वीडियो अब तक बन चुके हैं उन सभी का आप लाभ उठा सकते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा आपसे कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपके पास ये लूसेंट बुक है तो इसको आप एक काम करना कि इसको अपने पास रखिए और अपने साथ रखिए एक हाइलाइटर्स। जो जो पॉइंट मैं आज आपको दिखाऊंगा उन सबको आपने इस बुक में हाईलाइट करना है और टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, प्रकाश चक्र, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को डिवाइड करती है, बांटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रकाश चक्र। और पृथ्वी की गतियों को दो भागों में डिवाइड करा जाता है, एक होती है दैनिक गति, एक होती है वार्षिक गति। मतलब एक दिन में चली गई गति को हम दैनिक गति बोलते हैं और एक वर्ष में चली गई सभी गति, मतलब एक एक दिन को ऐड करा और पूरे वर्ष में हमने काउंट करा कि कितनी गति इसने चली, उसको बोलते हैं हम लोग वार्षिक गति। तो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 और 2 जो हाईलाइट कर रखे हैं इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए इसके बाद में बात करता हूँ आपसे उपसौर के बारे में कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवर्तीय कक्षा में करती है जबकि एक कोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसौर। ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। तो देखिए यहाँ से आपके सामने एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उपसौर कब होता है, किस दिनांक में होता है। तो आप याद रखिएगा उपसौर की स्थिति किस दिनांक में होती है, तो वो होती है आपके 3 जनवरी में। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपसोर के बारे में। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अपसोर। और ये कब होता है? ये होता है 4 जुलाई को। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये जो आंकड़ा है आपका डिस्टेंस का इतना किलोमीटर और 14.70 किलोमीटर्स, ये आपका स्टेट पीसीएस जो आपका एमपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है या फिर यूपी का होता है तो वहाँ के लेवल में प्री के एग्ज़ाम में ये डिस्टेंस पूछ लेता है, लेकिन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछता है 3 जनवरी, 4 जुलाई, मतलब उपसौर और अपसौर। ठीक है, बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं एप साइड रेखा क्या होती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सूर्य के केंद्र से ये गुजरती है और इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एपसाइड रेखा। ये रेखा किस प्रकार की रेखा होती है? ये होती है आपकी काल्पनिक रेखा। तो
तो एप साइड रेखा किस प्रकार की रेखा है एग्जाम में ये पूछता है, तो आप याद रखिएगा ये एक काल्पनिक रेखा है और उपसोरिक और अपसोरिक को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाती है जो सूर्य के केंद्र से होकर के क्या होती है, पास होती है, गुजरती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप साइड रेखा। अब हम बात करते हैं आपसे अक्षांश के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक मेरिडियन मतलब यम्योत्तर पर किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। इसे अंशों, मिनटों वे सेकंडों में दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को क्या कहते हैं? दक्षिण अक्षांश कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भूमध्य रेखा के उत्तर पर क्या होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं इसको? इसको हम पुकारते हैं कर्क रेखा के नाम से। और जबकि अगर यही कंडीशन दक्षिण में होती है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाती है आपकी मकर रेखा। कर्क रेखा हमेशा याद रखिएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में होती है और दक्षिण में कौन सी होती है? मकर रेखा। तो आपको यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग देशांतर की ओर कि किसी स्थान के कोणीय दूरी जो प्रधान जिसको हम बोलते हैं पीएम, प्रधान यम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। और यहाँ पर बस केवल एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी कितनी होती है। बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है आपकी 111.32 किलोमीटर। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यह क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध इनको कहलाते हैं और गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को लगेगा 4 मिनट। आपको इसी तरह से अपनी बुक को हाईलाइट करना है, जैसे जैसे ये येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है सेम वैसे ही अपने हाईलाइट अपनी बुक को भी करना है। अगर किसी के पास बुक अभी नहीं है तो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि अपने साथ पेन पेपर रख लीजिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को पेन डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं, देखिए शून्य शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अक्ष अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है आपका कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति कब होती है? ये होती है आपके 21 जून को। कब होती है? 21 जून को। और बात करते हैं मकर संक्रांति की, ये कब होती है? 22 दिसंबर को। और थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में हम पढ़ते हैं कि 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर इतने डिग्री नॉर्थ पर लंबवत होता है, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा या कर्क संक्रांति। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सवाल यहाँ पर आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, तो आपको याद रखना है क्या रखना है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उसी के साथ बात करें अगर वो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका 22 दिसंबर में। इसको बोलते हैं हम लोग मकर संक्रांति, राइट? आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? देखिए ये जो क्वेश्चन है 21 जून 22 दिसंबर, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके सीजीएल लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको बड़े ध्यान से नोट करना इसको, और इसको स्किप नहीं करना है माइंड से बिल्कुल भी। अब मैं बात करता हूँ आपसे इक्विनॉक्स के बारे में, मतलब विषुवत के बारे में। यह पृथ्वी की वह कंडीशन होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन वे रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर लंबवत मतलब कि सीधी खड़ी रेख सूर्य की किरणें पड़ेंगी और क्या होता है इसमें, दिन और रात क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब कब? 23 मार्च और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन एवं रात बिल्कुल बराबर होते हैं।
दोनों ही डेट आपको याद रखनी है, और आपको डेट याद रखनी है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, इन इन डेट पर क्या क्या होता है। आगे मैं बात करता हूँ अमावस्या मतलब न्यू मून किसको कहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सूर्य ग्रहण की ओर। चलिए लगाते हैं ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा क्या होता है, अमावस्या न्यू मून को ही होता है। आगे हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होती है कि सूर्य की पूरी जो रोशनी होती है चंद्रमा पर पड़ नहीं पाती, तो इसे क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। अब एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी बात हम समझते हैं। यहाँ पर हमारा सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया। सूर्य की रोशनी अभी डायरेक्ट क्या पड़ रही है, डायरेक्ट इस सूरज से निकल करके इसकी किरणें इस पर पड़ रही है, चंद्रमा पर, ठीक है। पर इसके बीच में अचानक से एक पृथ्वी आ गई। अब इसके बीच में अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अचानक से एक पृथ्वी आ गई तो क्या होगा, चंद्रमा तक क्या होगा, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएगी। तो जब सूर्य के ऊपर किरणें नहीं पहुंच पाएगी चंद्रमा सूरज की, तो क्या होगा, तो सिंपल इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण, राइट। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा मतलब कि फुल मून की रात्रि में ही होता है। इस दिन क्या होता है, पूरा चंद्रमा निकलता है। आगे बात करते हैं समय का निर्धारण। पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट जो समय होता है वो बढ़ जाता है, तथा पश्चिम जाने पर देशांतर पर 4 मिनट समय घट जाता है। तो कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी है, 4 मिनट समय कब बढ़ता है और 4 मिनट कम कब होता है। तो दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। मैं बढ़ता हूँ आगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक्चुअली होती क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर, बेरिंग स्ट्रेट वे प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो जगह के नाम बताइए आप। तो ये सभी सागर हैं, आर्कटिक सागर, चूंकि सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से पास होती हैं, मतलब इन सभी को ये क्या करती है, काटती है या फिर गुजरती है। आगे बात करते हैं हम लोग समय जोन के बारे में, इसको बोलते हैं मानक समय। तो विश्व में टोटल कितने जोन है, 24 जोन, और प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रत्येक जोन कितने डिग्री के बराबर होता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, तब तो याद रखना है। तो ये होता है आपका 15 डिग्री के बराबर। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर ये गुजरता है भारत मानक समय, और यह समय ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटे आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। कितने, 5:30 बजेंगे। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसमें और कुछ पॉइंट खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे कि विषुवत रेखा के बारे में और उष्ण कटिबंध के बारे में। तो विषुवत रेखा के बारे में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा है जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह क्या होती है, यह शून्य अंश अक्षांश रेखा कहलाती है, और विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं कटिबंध के बारे में कि कटिबंध होता क्या है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है, इन भागों को कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध क्या होते हैं, ट्रॉपिकल जोन क्या होते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का एक भाग होता है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य क्या होता है, शीर्ष पर चमकता है,
मतलब कि लंबवत सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है और इस भाग को हम कहते हैं, तो इस भाग का मौसम सदैव कैसा होता है? सदैव होता है यहाँ पर गर्म। आगे बात करते हैं ध्रुवीय कटिबंध, 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को तीन भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को कितने भागों में डिवाइड करा गया है? टोटल तीन। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका भूपर्टी। बस केवल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम बोलते हैं भू पर पट्टी। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला सियाल, सेकेंड सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एलुमिना, Si से सिलिकॉन और Ai से बना है आपका एलिमिना। फिर हम बात करते हैं सीमा, Si से बना है अगेन सिलिकॉन और Ma से बना है आपका मैग्नीशियम। तो इन दोनों से मिलकर के ये पूरा भूपर्टी का निर्माण हुआ है। सियाल और सीमा दोनों में आपको जो भी डिफरेंस है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद करनी है। राइट, बढ़ते हैं आगे। रेप्टी असंबद्धता, ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच की सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कोर के बारे में, केंद्रीय भाग के बारे में, कि पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग कहते हैं। यह क्षेत्र निकेल वे फेरस का बना होता है। उसके बाद का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ता जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है, बिल्कुल गोल है। ये किसने कहा था? ये कहा था सर आइजक न्यूटन ने। फिर हम बात करते हैं आपसे कि पृथ्वी के बाह्य सतह को चार भागों में डिवाइड करा गया है। पहला भाग कौन सा है? स्थल मंडल। सेकेंड है आपका जल मंडल। फिर है आपका वायुमंडल। फिर फोर्थ है आपका क्या? जैव मंडल। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से ये पूछ सकता है कि पृथ्वी की बाह्य सतह को कितने भागों में डिवाइड करा गया है। तो आपसे बोलेगा एक दो तीन चार, चार भागों में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चार भागों में। अब बात करते हैं हम लोग स्थल मंडल की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बात है। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर क्या है? जल। तो पूरी जो पृथ्वी है कितने भाग पर स्थल है, मतलब कि कितने भाग पर जमीन है, वो आपको याद रखनी है। 29% और 71% पर क्या है? यहाँ पर जल। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 71% और बात करें दक्षिणी गोलार्ध की तो यहाँ पर 81% क्षेत्रफल में पानी का साम्राज्य है। मतलब कि कितना परसेंट उत्तरी गोलार्ध में पानी है और दक्षिणी गोलार्ध में कितना परसेंट पानी है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि सीजीएल में अब जीएस का लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा, तो डरना नहीं है, आपको तैयारी करनी है, अपना फोकस बिल्कुल ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है और सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार गया तो
तो समझिए कि आप भी हार गए। आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है और ये कितना मीटर है? 8,850 मीटर। तथा अधिकतम बात करें गहराई की तो ये है आपकी गहराई मरियाना गढ़, और इसकी गहराई की जो लंबाई है वो है आपका 11,022 मीटर। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है ये? 20 किलोमीटर का अंतर है। अब हम बात करते हैं चट्टानों के बारे में, रॉक। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई होती है। उत्पत्ति के आधार पर इसको तीन भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है आपका आग्नेय, सेकंड अपसादी, थर्ड है आपका कायांतरित। पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। ये एक्चुअली क्या होती है? ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि। ये कुछ नाम है तो आप याद रखिएगा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा या लावा जब जम जाता है तब कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? तब होता है आपका आग्नेय चट्टानों का। तो यहाँ पर ये आप लाइन याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं फिलहाल बेसाल्ट के बारे में। बेसाल्ट में किस चीज की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा यहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये होता है काली मिट्टी का निर्माण। अब बात करी जाए काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो ये होती है कपास। कपास का उत्पादन किसमें होता है? काली मिट्टी में। और मैक्सिमम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आगे मैं बात करता हूँ आपसे पैगमाटाइट। पैगमाटाइट जो है आपका कोडरमा, ये कहाँ पर है? झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं सैल में मिलता है। तो अभ्रक कहाँ पे मिलता है? ये अभ्रक मिलता है आपका कोडरमा में पाया जाता है, और पैगमाटाइट टाइप की चट्टानों में। आगे हम बात करते हैं आपसे बैथोलिथ के बारे में। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड का नाम बताइए, तो वो है आपका बैथोलिथ। यह मूलतः ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है ये? ये बना हुआ है ग्रेनाइट से। आगे हम बात करते हैं लैकोलिथ। एक था आपका बैथोलिथ और एक है आपका यहाँ पर लैकोलिथ। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और एक गुंबद आकार का क्या होता है रूप में जम जाता है, मतलब एक छतरी सी बन जाती है, ठीक है? जब छतरी बन जाती है, एक गुंबद सा बन जाता है टॉप में, तो इस प्रकार की जो चट्टाने बनती है उसको हम बोलते हैं लैपोलिथ। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह क्या होता है? गुंबद आकार बन जाता है। जैसे एक बॉल होती है, बॉल को हाफ काट दो, जिसे बोलते हैं अर्धगोला। मैथ में आपने पढ़ा होगा अर्धगोला, तो यह अर्धगोलाकार शेप में बन जाता है, एक छतरी नुमा बन जाता है, दिखाई देता है। और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में लैकोलिथ के कई एग्जाम्पल पाए जाते हैं। तो कौन से भाग में आपको लैकोलिथ के एग्जाम्पल मिलते हैं, उदाहरण देखने को मिलते हैं? वो जगह का नाम बताइए। तो वो जगह का नाम है आपका उत्तरी गोलार्ध। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपसे अवसादी चट्टाने किस प्रकार की होती है। ये होती है परतदार। उसके बाद हम बात करते हैं आगरा का किला एवं दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है। तो ये बना हुआ है आपका बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से। तो ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि किले का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से होता है। तो वो होता है आपका बलुआ पत्थर से, या बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टानों की सहायता से प्राप्त होता है, तो वो होता है हमको अवसादी चट्टानों से। तो आप ये याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं चट्टानों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। आग्नेय के नाम है यहाँ पर और कायंत्रित, फिर हम बात करेंगे अवसादी और उसके कायंत्रित। ग्रेनाइट का कायंत्रित रूप है निस, बेसाल्ट का कायंत्रित रूप है आपका सिस्ट,
और बिटुमिनस कोयले का कायंत्रित रूप है आपका ग्रेफाइट। उसके बाद हम बात करते हैं बलुआ पत्थर का कायंत्रित जो रूप है वो है आपका क्वार्ट जॉइट, लिग्नाइट कोयले का है एंथ्रासाइट कोयला, स्लेट का है आपका पाइलाइट। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि हम लोग भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा राख भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जम जाता है, छोटे ठोस टुकड़ों में ये बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंडर। और ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा। ज्वालामुखी कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं आपके तीन प्रकार के। पहला होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सेकेंड होता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, थर्ड होता है आपका शांत ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं डेड ज्वालामुखी। पहले हम बात करते हैं आपसे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें अक्सर क्या होता है, उद्गार आते रहता है, मतलब कभी भी ये क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं हमेशा, कभी भी इसमें ज्वालामुखी फट सकता है। वर्तमान समय में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, तो ये है आपके 500। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रॉम्बोली। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉम्बोली के बारे में कि स्ट्रॉम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा सदा क्या होती है, प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है, और इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं आपसे कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। एक्टिव जो वॉल्केनो होते हैं उसका मैक्सिमम भाग कौन से सागर में पाया जाता है, यहाँ से आपके एसएससी एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, तो आप याद रखिएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय मतलब फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, तो वो है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे हम बात करते हैं, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है पर्वत, वो है आपका कोटोपैक्सी। ये कहाँ पर है, ये है आपका इक्वाडोर में। जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 19,613 फिट। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी, और इसकी हाइट कितनी है, 19,613 फिट। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जो एक्टिव है, कभी भी उसमें से ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है, उसका नाम है आपका ओजस डेल सालाडो। ये एडिस पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। अर्जेंटीना चिली का जो बीच का स्थान है, वहां पर ये है कौन सा ज्वालामुखी, ये है आपका ओजस डेल सालाडो। और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तीनों चीजें याद रखनी है आपको, ये ज्वालामुखी कौन से पर्वत पर है, एडिस पर्वत पर, और विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है, और किन किन सीमाओं के बीच में है, कौन कौन से देश की सीमाओं के बीच में ये ज्वालामुखी है, तो ये है आपका अर्जेंटीना और चिली के बीच में। काफी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। पहले तो हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, अब हम बात कर रहे हैं शांत ज्वालामुखी की, तो उसका नाम है आपका एकांकागुआ। ये कहाँ पर है, ये भी आपका एडिस पर्वतमाला पर स्थित है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6,960 मीटर, तो यह है आपका शांत। अब बात करते हैं हम लोग भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है, किस तरह से भूकंप आता है, इसके बारे में। देखिए भूगर्भ शास्त्र का एक विशेष शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें क्या होता है कि भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, और उसको हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। याद रखिएगा क्या कहते हैं उसको, सिस्मोलॉजी। और भूकंप को तीन टाइप के कंपन में बांटा गया है।
एक होती है आपकी पी वेव्स, याद रखिएगा पी वेव, एस वेव और एल वेव। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा भूकंप तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, पी एस एल। पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, एल से लव वेव। एल का मतलब लव। ये साइंटिस्ट था जिसने इन तरंगों की खोज करी थी, उसी के नाम पर इस तरंग का नाम रख दिया। तो फिलहाल एग्जाम में आप याद रखिएगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो क्या कराती है ब्रांच, तो वो ब्रांच कराती है जो भूकंपों का अध्ययन करती है, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। अब हम बढ़ते हैं प्राथमिक तरंग की तरफ कि प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है और भारी भारी मात्रा में क्या करती है, तबाही करती है। राइट, बढ़ते हैं आगे। द्वितीय तरंग, सेकेंड वेव, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। याद रखिएगा सेकेंडरी वेव को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजरती है और इसकी औसत वेग क्या होता है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे हम बात करते हैं एल तरंगे, एल वेव। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है और इनकी खोज किसने करी थी, एच डी लव ने करी थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्पीड क्या होती है। 1.5 से लेकर के 3 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड रहती है। अब हम बात करते हैं कि भूकंपीय तरंग जिससे नापी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं, तो उस यंत्र को हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ। और कितने टाइप की तरंगों की बात करी हमने, तीन टाइप की तरंगे होती हैं। तो बाकी जो भी हमने देखा वो सब आप एक बार रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को एक बार और प्ले करिएगा। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ फिलहाल एल तरंगों के बारे में। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र क्या होता है। भूकंप के उद्भव मतलब कि जहाँ से ये स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। किस स्थान पर तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं, क्वेश्चन ये पूछता है आपसे। तो आप याद रखिएगा केंद्र में क्या होता है, तीनों प्रकार की तरंगे जो होती हैं पहुंचती हैं। फिलहाल इसके बाद हम बात करते हैं अधिकेंद्र के बारे में। इसको बोलते हैं ईपी सेंटर या एपी सेंटर। तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सुनामी किस देश में कहा जाता है, तो यह है देश आपका जापान। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके तीन स्केल होते हैं। पहले स्केल का नाम क्या होता है, रॉसी फेरेल स्केल, और सेकंड होता है आपका मर्केली, एंड थर्ड होता है रिक्टर स्केल। भूकंप को मैक्सिमम रिक्टर स्केल में ही मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल के बारे में हम बात करते हैं, इसकी खोज किसने करी थी, इसका विकास किसने करा था। तो इसका विकास करा था अमरीकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने। चार्ल्स रिक्टर, रिक्टर इनका सरनेम था, उसी के नाम पर ये पूरा का पूरा जो ये यंत्र है इसका नाम पड़ा। ठीक है, और ये कब खोजा गया था, 1935 में। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और कि रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में कितनी गुना हो जाती है, 10 गुना। स्केल में अगर 1 लिखा है तो 1 के बाद क्या आएगा, 10 गुना 10। 10 के बाद नेक्स्ट न्यूमेरिक नंबर क्या रहेगा, 10 को 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुना। तो इस तरह से उसमें स्केल में ये नंबर चलते हैं, ध्यान रखिएगा 10 गुना।
इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ है छोटा मोटा भूकंप, हल्का फुल्का भूकंप जिसमें ज़्यादा जान माल की हानि नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर 6.2 की तीव्रता से भूकंप आया, उससे अधिक भूकंप आया, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग? शक्तिशाली भूकंप की कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं, देखिए कि पर्वत के बारे में, ठीक है। विभिन्न स्थलाकृति मतलब निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड होती हैं। पहले को हम बोलते हैं पर्वत, सेकंड को बोलते हैं पठार, और तीसरे नंबर का होता है मैदान। अभी हम बात करेंगे पर्वत के बारे में। पहली जो कैटेगरी आती है पर्वत की, उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धस जाता है, तो नीचे जो धसा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक माउंटेन, ठीक है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है वो है आपका फ्रांस में, जिस माउंटेन का नाम है क्या, वॉसजेस। और एक ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जो कैटेगरी आती है, ब्लैक फॉरेस्ट आपका जो है वो है आपका ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब लगता है कि हमको जंगल, लेकिन वास्तव में ये एक माउंटेन का प्रकार है। तो ये बोलते हैं ये कहाँ पर है, ये है जर्मनी में। आगे हम बात करते हैं, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बेजी नदी तक 4,800 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद अवशिष्ट संचित, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं वलित पर्वत की, फोल्ड माउंटेन के बारे में। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनती है। ये लहरदार पर्वत है जिन पर असंख्य अपनेतियों और अभिनेतियाँ होती हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं इसमें हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज और एडीज। याद रखिएगा, जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहाँ किसी समय में टेथिस सागर नामक एक विशाल समुद्र था, ठीक है। उस नाम क्या था समुद्र का, टेथिस सागर। फिर हम बात करते हैं भारत का अरावली पर्वत, विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट कहाँ पर है, गुरु शिखर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। आगे हम बात करते हैं पठार की, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है, और कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार में एक काउंट सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा जो नाम है वो है आपका तिब्बत का पठार, ठीक है। इसकी हाइट क्या है, 16,000 फीट। बहुत इंपॉर्टेंट ये पठार है, इस नाम का स्किप मत करना, ठीक है। बात करते हैं मैदान की, कि 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को हम क्या कहते हैं, मैदान। तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले स्थानों को हम क्या बोलते हैं, मैदान। उसके बाद हम बात करते हैं वनों के बारे में, ठीक है। वन मतलब फॉरेस्ट। तो वन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, और काफी सारे। अभी हम बात करेंगे ए। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार का वन विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। यहां पेड़ों की पत्तियां किस प्रकार की होती है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ों की पत्तियां किस तरह से होती है। तो पेड़ों की पत्तियां होती हैं चौड़ी, और यहाँ पर वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा इसमें होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। तो इसमें साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं, और वर्षा क्या होती है, 1500 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं टैगा वन की। टैगा वन जो होते हैं ये सदाबहार वन होते हैं। इस वन के वृक्ष की पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां होती हैं नुकीली। पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष होते हैं। कैसे, शंकुधारी वृक्ष मतलब पर्वतीय वन किस प्रकार के होते हैं,
इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और ये कोन टाइप के मतलब शंकु की शेप के होते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आगे हम बात करेंगे पार्ट 3 में महाद्वीप के बारे में और अन्य काफ़ी सारे टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और जो भी फ्रेंड आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उन तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।